हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और देखिए, अचानक हम लोग कहाँ आ गए और मैं कहाँ की वीडियो दिखा रही हूँ आपको। तो हम आए हुए हैं शादी में आगरा, और जो मेरे पीछे थोड़ा सा मेरे वीडियो दिखाया है वो शॉपिंग का हो रहा है। तो आप लोगों की शादी की तैयारी चल रही थी बहुत काफ़ी दिनों से, तो आपको वीडियो इसलिए नहीं दिखाया था। और हम लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, और हम लोग आ चुके हैं आगरा। यहाँ पर तो मेहंदी और छोटे छोटे प्रोग्राम तो हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और ये कि यहाँ पे पहले से हल्दी का प्रोग्राम हो चुका है, तो ये हल्दी का डेकोरेशन करा हुआ है यहाँ पर, और मेहंदी का भी प्रोग्राम हो चुका है। हम लोग लेट आए हुए हैं, हम लोग बारात वाले दिन आए हुए हैं। तो ये देखिए मेरे पास, मुझे मेहंदी की है, यहाँ पर मेहंदी हो रही है, पहले ही मेहंदी के प्रोग्राम है। तो और मम्मी यहाँ पर बात बना रही हैं मम्मी को कि जो मेरी नंद हैं उन्हीं के यहाँ पे देवर की शादी है, तो उन्होंने ही मुंह पोछा है अपने देवर का, तो फिर वो मम्मी के लाई, तो इसलिए मम्मी को ही बात पिलाना पड़ा। इसलिए मम्मी ने यहाँ पर सबको बात पिला रही हैं, सबको कपड़े वगैरह दे रही हैं। और तो बस इस तरीके से यहाँ पर ये जैसा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं थे शामिल। तो यहाँ पर हमारे जो बड़े वाले नंदोई हैं वो पहना रहे हैं, वैसे भाई लड़के वगैरह मतलब भाई वगैरह पहना सकते हैं, बड़े बेटा होता है ना घर का वो पहना सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर बड़े नंदोई से पहनवा दिया था मम्मी ने। और यहाँ पर देखिए हो गई बारात की तैयारी, और दूल्हा सज चुका है, सेहरा बन चुका है, और बस यहाँ पर थोड़ी सी रस्म के तौर पर, वैसे तो सरे से बारात जा रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खुशी होती है सब घर में कि हमारा अभी लड़का या कोई सच के दूल्हे पर बैठे, तो कोई के अरमान होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो वहाँ से थोड़ी सी रस्म करेंगे घोड़े पर बैठने की, मतलब बैंड बाजे से ले जाएंगे, तो इससे लगेगा कि हाँ बैंड बाजे से बारात चढ़ी हुई है। वैसे तो सरे से बारात जा ही रही है गाड़ी जो से, वहाँ पर नहीं चढ़ेगी लड़की वाले के यहाँ पर बारात नहीं चढ़ेगी, बस यहाँ पर अपने शौक के लिए ये थोड़ी सी बारात चढ़ा कर बस तक ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए बारात जा रही है, और यहाँ पर इनके दामाद हैं, मेरे बड़ी नंद के बेटे हैं इरशाद, वो यहाँ पर उन्हें ही मेहंदी करी हुई थी, तो वो ये देखिए नौछावर कर रहे हैं। बस यहाँ पर हम लोग बस में आज पास आ चुके हैं पहले ही, वैसे मेरे हम लोगों को जाने का नहीं था, लेकिन फिर बच्चों ने जिद करा, मम्मी ही चलो अपन भी बारात में चलते हैं, वैसे का मौका मिलता है, तो फिर बच्चे जिद करने लगे, तो फिर मैं भी बारात में जा रही हूँ और बच्चे भी जा रहे हैं। तो हम लोग सब यहाँ पर गाड़ी पर आके बैठ चुके हैं बारात में जाने के लिए, और बस यहाँ से हमारी बारात रवाना हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ का देखिए रोड कितनी अच्छी खुली खुली, ये आगरे का रोड बहुत अच्छे हैं, बाकी में बहुत अच्छे रोड लगते हैं, तो यहाँ देखिए कितने अच्छे रोड लग रहे हैं। और बहुत मैं और सना पीछे वाली सीट बैठते थे, क्योंकि हम लोगों को वीडियो बनानी भी थी, और अच्छा भी लगता खुला खुला, इधर दम से घुटता फिर लंबा सफ़र होता है ना, तो उल्टी मूवमेंट्स वगैरह आने का डर रहता है, तो हम लोग तो इधर ही पीछे बैठ गए थे, तो हम लोगों को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई थी। और लेकिन इधर मेरी नंद बैठी हैं आगे दोनों, उन लोगों को घबराहट होने लगी थी, उनको मोटर सारा होने लगी थी मेरी छोटी नंद को। और बस यहाँ पे हम लोग बैठ के जो जा रहे हैं, और यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता जा रहा है, तो बहुत अच्छा सीन लग रहा था यहाँ पर। रास्ता कर लो, रास्ता।
देखिए बारात हम लोग लड़की वाले के यहाँ पे आ चुके हैं और सब लोग देखिए स्टेज पे बैठे हुए हैं और निकाह की तैयारी चल रही है। और जो मौलाना हैं वो भी निकाह के लिए आ चुके हैं और बस यहाँ पर फटाफट से निकाह होगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे स्वागत भी हुआ था हम लोगों का, बारातियों का। लेकिन उस टाइम पर हम लोग अंदर चले गए थे, हम लड़कियाँ अलग अलग, तो उस पर मैं गेचअप नहीं कर पाई, मतलब वीडियो नहीं बना पाई इसकी। ये बहुत अच्छे से स्वागत किया था लड़की वालों ने, अच्छे से फूल के रोज हम लोगों के ऊपर डाले हुए थे लड़की वालों के ऊपर। और बस यहाँ पर हम लोगों जो सामान लेके आए हुए थे वो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है, लड़की के लिए लेके आए थे जो गिफ्ट्स वगैरह जो भाई नंद के यहाँ से आए हुए हैं, जो सारा सामान ये देखिए फल फ्रूट्स मेवा हैं, ड्राई फ्रूट्स और कपड़े ज्वेलरी वगैरह चप्पल जो भी सब सामान है, अच्छा सामान दिया हुआ था। ये सोने का नेकलेस है और पेंडल है सोने का, तो ये सब चीज़ें निकाली थी। और हम लोगों ने खाना भी खरीदा, खाना भी बहुत अच्छा उम्दा बना हुआ था, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, नॉन वेज खाना था। लेकिन उसका वीडियो नहीं बना पाई मैं उसका भी, क्योंकि बनाने का वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। बस हम लोगों यहाँ पर मिलनांद और हम लोग बैठे हुए थे और बस हम लोगों की हाल फिर निकल होकर खाना वाना खा के विदा भी हो गई थी। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं अपने आगरा, अलीगढ़ बारात आई हुई थी तो अलीगढ़ से अब आगरा रिटर्न कर रहे हैं और फिर वहाँ का मैं प्रोग्राम दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट मतलब दो एक दिन का गैप देके बलीमा थल यहाँ पर, तो यहाँ के बलीमे की तैयारी हो रही है, यहाँ खाना बनना है बलीमे के लिए, तो रिसेप्शन का यहाँ पे भी नॉनवेज खाना था, तो यहाँ पे भी नॉनवेज सारा खाना बन रहा है नंद के यहाँ पर भी, लड़के वालों के यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है और सारी देख छड़ी हुई है यहाँ पर, इस तरीके से ही मुसलमानी खाना बनता है देखो पे। तो बस यहाँ पे खाना बने और शाम को हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे, सब लोग तैयार होने में लगे हुए थे अपनी, फिर शाम को मिलते हैं आपसे। यहाँ देखिए शाम हो चुकी है और सारी तैयारी हो चुकी है रिसेप्शन की, और रिसेप्शन वाला गार्डन भी सज चुका है और हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं रिसेप्शन गार्डन में। और यहाँ देखिए मेरा रिसेप्शन लुक, ये मैंने यही ड्रेस पहनी हुई थी और ये मेरे साथ में मेरी नंद हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर चलो दरवाजे पर एक आध फोटोशूट करा लेते हैं, तो हम यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पर हो रही है दुल्हन की एंट्री। पर दुल्हन की इंटरव्यू हो चुकी है और दोनों स्टेज पर बैठ चुके हैं और काफ़ी बहुत दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यारा कपल है ये, तो आप इनको ये बहुत सारी दुआएं दीजिए। तो यहाँ पर मैं दूल्हा दुल्हन के चेहरे फेस नहीं करूँगी क्योंकि कोई कोई की पर्सनल लाइफ होती है, वो फिर ना कैमरे के सामने फेस नहीं करना चाहते हैं और बगैर इजाज़त के किसी की भी फेस नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने उन लोगों को फेस नहीं लिया है। और बस आप लोग ऐसे ही इंजॉय करिए, इतना ही काफ़ी है। और बस आप लोग इनके लिए दुआएं करिए बहुत सारी प्यारी प्यारी, जैसे इनकी जो आगे की लाइफ नई लाइफ है वो अच्छे से निकले, अच्छे से जाए। और हम भी यहाँ पर शादी का पूरा फुल एंजॉय ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर बस मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आपको यहाँ पर वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो थोड़ा सा भी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली नेक्स्ट वीडियो ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।